नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल के साथ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और आज बहुत इंपॉर्टेंट बात तो करने वाला हूं नहीं, मैं ऐसे ही टाइम पास करने के लिए मैं जुड़ गया हूँ। लेकिन टाइम पास में एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ बताना चाहता हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बनारस में रहता हूँ और एक बनारसी बाबू जैसे हूँ मैं। और बनारस में एक्चुअली एक मेरे दूर के रिलेटिव है जो कि बाहर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो उनका एक बेटा था तो वो बनारस में आया और एक्चुअली वो घर आना चाहता था। तो मैंने उसको लोकेशन बताया कि कुछ इस तरीके से ये लोकेशन है आपका, यहाँ पे इस तरीके से मैंने तरीका भी बताया कि आप पहले स्टेशन पे उतरिएगा, फिर वहां से कैसे आपको घर आना है, वो एड्रेस मैंने उसे बता दिया था और कैसे आना है वो भी बता दिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि वो जो मेरे कह सकते रिलेटिव का बेटा था वो बनारस आया, स्टेशन उतरा, और स्टेशन उतरने के बाद जो है उसे शायद मेरी बात पे यकीन नहीं था या कुछ ऐसी चीजें थी, तो उसे लगा कि यार थोड़ा सा ऐसे लोकल पूछ लेते और चलते चलते चलते। तो आप जानते ही, आप लोग अगर जो लोग बनारस आए होंगे तो बनारस पे एक वैसे तो दो स्टेशन है मेन, एक जंक्शन है और एक बनारस रेलवे स्टेशन है। और कहीं भी उतरिए तो वहां पे लंका एक फेमस प्लेस है जहाँ पे BHU लोकेटेड है, ठीक है। तो वहाँ के ऑटो वाले अलग ही स्टाइल में, जो बनारसी स्टाइल होता है, वैसे बनारसी लोगों में कोई एटीट्यूड नहीं होता, ऐसा नहीं कि वो अगर ऐसे वो मुंडी ऊपर करके हमेशा चलते हैं तो उनके अंदर कोई एटीट्यूड है या ऊपर कुछ दिख रहा होता है, एक्चुअली मुंह में कुछ होता है उनके और आपको पता है कि या तो वो क्या हो सकता है, और उनका स्टाइल ही ऐसा होता है। आप कभी उतरिए जंक्शन पे तो लंका के लिए ऑटो की स्टाइल कुछ ऐसी ही होती है, 10 रुपये लंका लंका लंका, 10 रुपये लंका बिच्चू लंका बिच्चू लंका बिच्चू, चलिए लंका चलते हैं लंका चलते हैं, अरे भैया 1 सवारी 1 सवारी 1 सवारी, ये चलता रहता है। तो मुंह में कुछ ना कुछ तो उनके होता है। अब हमारे जो रिलेटिव के बेटे जी थे उन्हें लगा कि हाँ यार ये लोग ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और एक ऑटो वाले ने उन्हें पकड़ लिया, भैया कहाँ जाना है? तो बोला कि हमको इधर जाना है। तो अब उधर से उसे कहा, अरे ये तो लंबा रास्ता पड़ेगा, इधर से चलिए ये वाला जल्दी पहुंचा देंगे। अब वो बेचारा उसको बिठा लिया और लेके गया कहीं और। वहां से फिर उसने पूछा कि ये लोकेशन कहाँ पे पड़ेगा, तो उसने बताया कि यहां से ये वाला रास्ता पकड़ोगे तो जल्दी है, तो वो वाला रास्ता पकड़ के भाई साहब वहां चले गए। अब फिर वहां जब पहुंचे तो उन्हें पता चला कि ये भी डेस्टिनेशन नहीं है, यहां से अब ये वाली ऑटो लोके यहाँ के लोकेशन पे पकड़ेंगे तो यहाँ जाएंगे आप। तो अब वो जो हमारे रिलेटिव के बेटे थे वहां से तीसरा जो है ऑटो लिया और फिर वो एक और लोकेशन पे पहुंचे। फिर वहां से जो है ऐसे करते करते वो लगभग 10 कह सकते 15 ऑटो बदलने के बाद 2-3 घंटे बाद घर पे पहुंचते, और फिर वो मुझे पूरी कहानी बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे एक जो है ऑटो वाले ने बेवकूफ बनाया और मुझे जबरदस्ती का घुमा लिया जिधर मुझे जाना नहीं था उधर ही। तो मैंने उनसे पूछा कि जब मैंने आपको रास्ता बताया था तो फिर आप क्यों जो है ऐसे ऑटो की बातों में आ गए? तो उन्होंने कहा कि मैं सोचा कि हो सकता है कि आपकी बातें जो है इतनी सही ना हो, तो मैं जो यहाँ पे लोकलाइट उनसे एक बार पूछ के चल लूं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको लगा कि मेरी बातें जो है सही नहीं है तो आपको कैसे ये लग गया कि ऑटो वाला ही सही होगा? तो उसने कहा कि हाँ ये बात भी सही है। तो मैंने वही समझाया कि अगर आपको ऐसा कभी डाउट हो कि लगे कि सामने वाला सही ना हो, उसके आगे के सामने वाला सही ना हो, तो अपनी बुद्धि और विवेक का तो प्रयोग कर ही सकते हैं। मैंने कहा आपके पास आजकल के टाइम पे गूगल मैप है, आपने गूगल मैप का क्यों यूज नहीं किया और वहां से करते तो बिना किसी के पूछे जो है आप अपना रास्ता देखते हुए ऑटो से ट्रैक करते हुए आ जाते हैं कि नहीं भैया इधर से इधर चल रहे, इधर से इधर चल रहे और यहाँ पे डेस्टिनेशन मिल जाएगा मेरा। तो उनको बात समझ में आई कि हाँ हम अपनी बुद्धि और विवेक और हमारे पास जो स्किल्स है उसका जो है यूज कर सकते हैं और बिना भटके डेस्टिनेशन या मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इस कहानी का सार ये है कि एक्चुअली आज का जो टाइम है बहुत सारे जो है यूट्यूब पे अलग अलग तरीके के जो है गाइडेंस और अलग अलग तरीके के अनरियलिस्टिक जो है तरीके बताए जाएंगे, इतने दिन में ये करिए, इतना ऐसे करिए, वैसे करिए, एग्जाम के पहले ये करो तो एग्जाम के बाद ये करो, क्या खाओ क्या, ये सब कुछ जो है वो चल रहा है। अब मेरी बात मानो या मत मानो, मैं ये एनोलॉजी के तौर पे बस आपको ये स्टोरी बताया कि अगर आप एक स्टूडेंट है और आपकी मंजिल CSR की क्वालिफिकेशन है तो आपको करना क्या है। आप मेरी बात भी मत मानो कि मैं जो यहाँ पे कह रहा हूँ, और मैंने कोई स्ट्रैटेजी के लिए जुड़ा ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि मैं तो सिर्फ आपको ऐसे ही कहानी के तौर पर जुड़ा था, तो मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ। आप इतने दिनों से जो मेहनत किए हो वही आपकी स्ट्रैटेजी है, रातों रात ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं निकल के आएगा, ऐसी कोई जो है आपके पास शास्त्र नहीं आएंगे कि रातों रात आप रावण का वध करने जा रहे हो। कोई भी स्किल आपको महीनों में सीखनी पड़ती है और वो समय है ही नहीं, तो लगभग 2-4 दिनों बाद आपका एग्जाम है, आपको करना क्या है? फिर करना यही है कि आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए। आप ऑटो वाले के चक्कर में पड़ेंगे तो ऐसे यूट्यूब वाले चक्कर में पड़ेंगे तो जैसे वो रिलेटिव का लड़का भड़का जो है भटका था इधर से उधर, वैसे आप भी भटकते रहोगे। ये वाला चैनल बोलेगा ऐसे करो तो वो करते रहे, दूसरा वाला चैनल सुनोगे तो ऐसे करो, तीसरा वाला कहेगा ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे घूमते 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 विलुप्त हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा कहां गए, और फिर डेस्टिनेशन तो छोड़ो कहीं और पहुंच जाओगे। इसलिए आपकी डेस्टिनेशन आपके हाथों में है और कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना, कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए। आपके पास खुद इतना बिलीफ होना चाहिए, आपके पास वो चीजें हैं, वो मैच्योरिटी है, और आप उतने एज में हैं कि आप सोच सकते हैं कि मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए।
और मुझे जो है कैसे क्वालिफिकेशन मिलेगा, तो यू नो दैट वेरी वेल। तो बस ये छोटी सी बात आपसे कहनी थी कि मेरी बात भी मत मानो, किसी और की बात मत मानो, किसी और की बात भी मत मानो, और अपने अंदर जो एक इंटरनल इंट्यूशंस होते हैं, इंटरनल फीलिंग्स होती हैं, जो गट फीलिंग होती है उसकी सुनो। आपके पास जो रिसोर्सेज, आपके पास जो इंटेलेक्ट है, आपके पास जो कॉमन सेंस है, उसका यूज करो कि आप क्या कर रहे हो और क्या ये सच में आपको बेनिफिशियल है एग्जाम के लिए कि नहीं है। ऐसे अंधाधुन कुछ भी फॉलो मत करना। एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू जस्ट कि अपने इंस्टिंक्ट और अपने फीलिंग्स का इज्जत करो और वही फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।